मैं रौनक शुक्ला ओल्ड न्यूज से। हाल ही में देश के 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया जी ने रविवार को एक ट्वीट कर दिया। अमित मालविया जो अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में कई बार चर्चा में रहे हैं, इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के संसद सभ्य असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2.7% वोट शेयर के साथ 7 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी को राज्य में 7% वोट शेयर मिलने के बावजूद सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल कर पाई है। अमित मालविया द्वारा किए गए ट्वीट के आंकड़े गलत नहीं हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। अमित मालविया द्वारा किए गया दावा भ्रामक है, क्योंकि AIMIM 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 7 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी को 118 सीटों पर चुनाव लड़ने से 7% वोट हासिल हुआ था। इन 118 सीटों में से बीजेपी सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव जीत पाई है। अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तो AIMIM पार्टी का सक्सेस रेट 87.5% था, वहीं बीजेपी का 1% से भी कम सक्सेस रेट था। और इसका पूरा विवरण चुनाव आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट पर मौजूद है। वहीं उन्होंने एक और गलत दावा कर दिया GST को लेकर। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है, आज रविवार है, एक परिवार के लिए एक सिनेमा का टिकट और होटल का खाना कभी इतना सस्ता नहीं रहा। होटल के खाने के बिल के ऊपर 5% राहत मिली और सिनेमा के टिकट के ऊपर 12% राहत मिली। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कभी इतना सस्ता नहीं था। इस तरह उन्होंने अपनी पार्टी की छवि सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वो जल्दबाजी कर बैठे। ये इसलिए क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी बीजेपी के एक ट्वीट के अनुसार नए GST रेट 1 जनवरी 2019 से लागू होंगे, ना कि 23 दिसंबर, जो कि अमित मालविया जी ने अपने ट्वीट में दावा किया है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि नए GST रेट 1 जनवरी 2019 से लागू होंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि अमित मालविया जी के सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा गलत जानकारी फैलाई गई हो। इसके पहले भी उन्होंने हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा था, और हाल ही में उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर एक एडिटेड वीडियो क्लिप पोस्ट की थी। थैंक यू।